मौलाना रशीद रिज़वी। मौलाना रशीद रिज़वी इस्लामिक अभ्यासक के तौर पर जाने जाते हैं। यही नहीं, पूरे भारत में अलग अलग विषयों पर उन्होंने अपना सामाजिक काम सफलता से पूरा किया है। अपनी पढ़ाई उन्होंने बहुत कम उम्र में शुरू की। 10 साल के इस्लामिक एजुकेशन को पूरा करने के बाद वे उच्च शिक्षण के लिए ईरान गए। उनके गुणों को देखकर उन्हें बहुत से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पूरे भारत में अलग अलग सामाजिक कार्यों में उनका सहभाग रहा है। डॉक्टर रिज़वी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐसे मेंबर हैं जो उम्र में सबसे कम हैं। आप सभी की खिदमत में सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। MIT से एक अजीब सा रिश्ता है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं डॉक्टर करात साहब को बड़े करात साहब कहता हूँ, चूँकि आप सब जानते हैं हमारे एक छोटे करात साहब भी हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है। काम तो सभी इस दुनिया में करते हैं, मगर डॉक्टर करात की जो मेहनतें हैं, कोई अंधा ही होगा जिसे वो मेहनतें दिखाई नहीं दें, और कोई बहरा ही होगा जिसे वो मेहनतें सुनाई ना दें, और कोई पागल ही होगा जिसे वो मेहनतें सुझाई ना दें। मुझे लगता है कि इस जगह पर हम सबसे पहले तो ये दुआ करते हैं कि हम सब की तरफ से कि ईश्वर इनमें इतनी ताकत दे कि जितनी कोशिशें ये कर रहे हैं उससे और भी ज़्यादा कोशिशें कर सके, और प्यासे हिंदुस्तान को अपने कुएं से जितना पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क की प्यास भी मिट जाए और इनके कुएं का पानी भी ख़त्म ना हो। मैं यहीं से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। आप सब पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं। हिंदुस्तान आपको पता है ज़बानों का देश है। हम भाषाओं की खूबसूरती के साथ अपनी बातों को कहते हैं। जब हमारे यहाँ नमाज पढ़ते हैं तो उसके पहले वुज़ू करते हैं, पवित्र करते हैं ख़ुद को। आप सबके लिए पहले एक शेर पढ़ लूँ, बाद में आगे बढ़ूँ, क्योंकि हमारे उपाध्याय भाई ने बड़ी खूबसूरत बात चावल में कंकर को खड़ा कर दिया, और बाहर तो आदमी खड़ा ही रहता है। बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है, आप सबका दिल दिल नहीं अल्लाह का घर लगता है। मैं ऐसा मानता हूं कि दो किस्म के दुनिया में लोग होते हैं, एक सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और एक सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने वालों में डिस्कस कर रहा हूं, प्रॉब्लम डिस्कस करने वालों में डिस्कस नहीं कर रहा। पहले हम इंसान की बनावट को समझते हैं। इंसान क्या है? मनुष्य, आदमी, इंसान, बशर, जो भी कह लीजिए, ये इंसान दो चीज़ों से बना है। एक का नाम आत्मा है और एक का नाम जिस्म है, मतलब बॉडी। अच्छा, दोनों का जो संबंध है वो ऐसा संबंध है जो इम्पॉसिबल संबंध है। अभी ये हाथ से मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? कि ये हाथ इस हाथ के बाजू में है। अभी यही हाथ अमेरिका में हो और मैं चाहूँ कि अमेरिका वाले से मैं यहाँ बैठ के हाथ मिला लूँ तो नहीं मिल सकता। तो मनुष्य जो संबंध बनाता है वो पॉसिबल संबंध होते हैं, मगर ईश्वर जो संबंध बनाता है वो इम्पॉसिबल संबंध को पॉसिबल बना के सामने रख देता है। जैसे दिन का कोई नाता रात से नहीं हो सकता, मगर जब तक न मिले तब तक दिन दिन नहीं बनता। सूरज का कोई नाता चांद से नहीं हो सकता, मगर जब तक दोनों न मिले तब तक जमीन और आसमान मुकम्मल नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जिस्म और आत्मा नहीं मिल सकती। मैं इसका पक्का एग्जाम्पल आपको दूं। जैसे कोई आदमी मर जाए,
तो जब मरता है तो प्रैक्टिकली आत्मा जहां से आई है वहां चली जाती है और बॉडी जहां से आया है वहां चला जाता है। अगर हम मुसलमान एंगल से देखें तो बॉडी मिट्टी की बनी है तो मिट्टी में चली जाती है। अगर हम फ्यू हिंदू थियोलॉजी से देखें तो बॉडी में आग है, हरारत है और वो आग के हवाले हो जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना? बहुत सादी बात है। अच्छा, अब ये मिट्टी लाख कूदे, लाख उछले, आसमान पे नहीं जा सकती और आत्मा लाख चाहे जमीन पे नहीं आ सकती। ये दोनों ऐसे हैं जो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। आत्मा नीचे नहीं आ सकती और बॉडी ऊपर नहीं जा सकती। इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज है। उस ब्रिज को हम अरबी में नफ्स कहते हैं, उर्दू में शायद ज़मीर कहा जाएगा और अंग्रेज़ी में शायद हम कॉन्शियस कहेंगे, ठीक है ना, और हिंदी में विवेक कहा जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये चीज़ है जो हमें इंसान बना के खड़ा करती है। यही वो चीज़ है जिससे बुद्धि भी पूछती है कि क्या करना। ये वो चीज़ है जो हमें बुरों में अच्छा नहीं बनाती बल्कि अच्छों में महान बना देती है। ये वो चीज़ है जो हमें पत्थरों में हीरा नहीं बनाती बल्कि हीरों में अलमास बना देती है या कोहे नूर बना देती है। ठीक है, मैं बहुत से आसानी से बातें क्लियर कर दूं ताकि मैं सब्जेक्ट पे आपके सामने आऊं तो आपको फिर समझ में आएगा कि हाँ, धर्म क्यों और किस लिए। तो ये जो आत्मा है ये बॉडी के साथ नहीं रह सकती, ये जो बॉडी है ये आत्मा के साथ नहीं रह सकती, मगर ईश्वर का हुक्म होता है आप नाम जो भी रख लें मगर उसका नाम रखें जिस पर आपको यकीन हो कि वो सृष्टि का रचनाकर है, उसने ही सृष्टि की रचना की है। ठीक है, वो सृष्टि का पाड़नहार है, वो सृष्टि को पालने वाला है। अब ये इंसान जो आपके सामने खड़ा है ये दो चीज़ों से बना है, रूह और जिस्म से। जिस्म और रूह दोनों मिल गई, इसे मिलाया नफ्स ने। अगर नफ्स अच्छा है तो आदमी भी अच्छा होगा, अगर नफ्स बुरा है तो आदमी भी बुरा होगा। मगर इसका अच्छा और बुरा होना कैसे सामने आता है? लुकमान हकीम का बहुत बड़ा नाम है मुसलमानों में। ग्रीस के एक प्रॉफिट थे जिनका नाम लुकमान है, उनके नाम से एक सूरा भी कुरान में है। लुकमान हकीम के बॉस ने उनसे कहा कि भाई सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है, तो बकरा कट रहा था, उन्होंने दिल और ज़बान हाथ पे रख के अपने बॉस को दिखाया कि भाई ये सबसे अच्छी चीज़ है दुनिया की। बोले ये दिल और ज़बान है। बोले हाँ, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? कहीं समझ में ना आया तो आप मुझसे इशारा कर दीजिएगा तो मैं आसान शब्द कर दूंगा। फिर बोले सबसे बुरी चीज़ क्या है, तो बोले वो कल जवाब दूंगा। दूसरे दिन भी बकरा कट रहा था, उन्होंने उससे कसाई से कहा भाई वो दिल और ज़बान दे, और सजा के ला के उनके सामने रख दिया। बोले ये सबसे बुरी चीज़ है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज़ सबसे अच्छी हो वो सबसे बुरी हो जाए? बोले यही दुनिया और दुनिया की सच्चाई है। आदमी अच्छा हो तो उसके दिल और ज़बान से कोई अच्छी चीज़ नहीं, आदमी बुरा हो तो उसके दिल और ज़बान से बुरी कोई चीज़ नहीं। हम अगर साथ मिलते हैं, साथ बैठते हैं, साथ जीते हैं तो ये अच्छे दिल और अच्छे ज़बान की वजह से। और कहीं दंगा होता है, कहीं फसाद होता है, कहीं लोग परेशान होते हैं तो वो बुरे दिल और बुरे ज़बान की वजह से। याद रखिएगा, जो किसी इंसान की कदर नहीं कर सकता वो राम और रहमान की कदर कभी नहीं कर सकता। मैं आपको सच बात बताऊं तो रिलीजियस स्क्रिप्चर के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है जो हमारे नफ्स को गाइड कर सके, हमारी आत्मा को गाइड कर सके, हमारी ख्वाहिशों को गाइड कर सके। क्योंकि अभी दुनिया में क्या होता है, स्कूटर वाला बेचारा सोचता है मारुति आ जाए, मारुति वाला बेचारा सोचता है दूसरी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं हाँ वो आ जाएँ, वो वाला सोचता है भाई और इससे भी आगे आ जाएँ। तमन्ना यानी ख्वाहिशें, ये वो घोड़ा है जिस पर सब बैठना पसंद करते हैं। मगर याद रखिएगा, इस घोड़े की लगाम जितना हाथ में रहेगी उतनी अच्छी सवारी होगी, जितना लगाम छूटता जाएगा गिरने का डर उतना बढ़ता चला जाएगा। मज़हब ने पहली चीज़ सिखाई और वो ये है कि ख्वाहिशें ज़रूर करो
मगर जायज ख्वाहिश करो, अच्छी ख्वाहिश करो। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ जो इनडायरेक्टली हमारे बड़े करात साहब की इज्जत के हवाले से ही कह रहा हूँ। देखिए, किसी इंसान के पास मर्सिडीज है, किसी इंसान के पास बड़ी कोठी है, किसी इंसान के पास अकाउंट में 500 करोड़ रुपए हैं। मैं एक दो करोड़ की बात ही नहीं कर रहा, 500 करोड़ रुपए। इससे नहीं पता चलता कि उसकी औकात क्या है, वो कितना बड़ा है, नहीं, बिल्कुल पता नहीं चलता। पता कैसे चलता है? उसकी जिंदगी के अंदर झांक के देखो। अगर वो एक झोपड़ी में एक चिराग नहीं जला रहा तो वो उस लेवल का भी नहीं है कि झोपड़ी में चिराग जला सके। इसलिए बड़ा आदमी वो होता है जो दूसरों के काम आए, बड़ा वो नहीं होता जो सिर्फ अपने काम आए, अपने बारे में सोचे और अपने लिए ही आगे बढ़े। इसीलिए इल्म को बहुत अहमियत हासिल है, ज्ञान को। इसीलिए हर धर्म ने ज्ञान की बहुत वैल्यू दी है। ये आप जो यहाँ काम करते हैं ज्ञान बांटने का, जो आपको पगार मिलती होगी, जो तनख्वाह मिलती होगी, वो पैसा कभी आपके दिए हुए ज्ञान का बदला नहीं बन सकता। वो सिर्फ आपके टाइम की प्राइस है, बदला तो हो ही नहीं सकता। इसलिए कि जो मिलता है वो खत्म हो जाता है, मगर आप जो देते हैं वो बाकी रहता है, वो खत्म नहीं होता। तो ज्ञान की बेपनाह वैल्यू है। अगर आप देखिएगा ना, तो जनाबे आदम बनाए गए। आप इस्लामिक आइडियोलॉजी और इस्लामिक थियोलॉजी में जो बातें बताई गई हैं कि जनाबे आदम बनाए गए, तो जब आदम बन गए तो अभी तो कोई दूसरा इंसान था नहीं डॉक्टर साहब, तो वो जिब्राइल आए उनके पास। जिब्राइल मतलब वो फरिश्ता जो फरिश्तों का सरदार है, उसे मुसलमान में, मुसलमानों के यहाँ जिब्राइल के नाम से पुकारा जाता है, और ईसाई भी गैब्राइल कहते हैं, आप जानते हैं उनके यहाँ भी जिब्राइल का ही जिक्र है। तो जिब्राइल ने कहा कि कुदरत ने हमें तीन चीज़ दी है आपको देने के लिए, उसमें से कोई एक चीज़ आप पसंद कर लो। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं पसंद कर लेता हूँ, तुम दो क्या देना है। तो बोले एक तो धर्म है, बोले अच्छा ठीक है, दूसरी बुद्धि है, बोले अच्छा ठीक है, तीसरा ज्ञान है। तो आदम ने थोड़ी देर तक तीनों को देखा और उसमें से ज्ञान की तरफ उंगली बढ़ा के कहा कि इसके साथ मुझे रहना है, इसे मेरे पास दे दो। जिब्राइल ने कहा ठीक है, ज्ञान को बोला बैठ जाओ, ज्ञान बैठ गया। अब जिब्रील जाने लगे, तो जाते हुए धर्म और दूसरी चीज जो थी बुद्धि अकल, उससे कहा वापस चलो, वहां तो ज्ञान बैठ गया। बोले नहीं नहीं, जहां ज्ञान रहता है हम दोनों वहीं रहते हैं, हम छोड़ के नहीं जाया करते। तो आप याद रखिएगा, प्योर धर्म उस मुसलमान का प्योर नहीं होता जो मस्जिद में 5 टाइम नहीं 50 टाइम बैठा रहे। प्योर धर्म उस हिंदू का प्योर नहीं होता जो मंदिर में ही रहे। प्योर धर्म उस हिंदू मुसलमान का होता है जिसकी बातों में अकल रहे, अकल में बातें रहें, वो प्योर होता है। क्योंकि वो अगर किसी का फायदा ना भी पहुंचा सके तो किसी का नुकसान कभी भी नहीं करेगा। ज्ञान वो चीज है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। बेमाया मतलब बिना पैसे वाला आदमी, गरीब आदमी। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म अल्लाह जिसे दे उसे ईमान भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है। अगर ईमान इल्म के साथ आ जाता है तो फिर आप विश्व में विश्व शांति के लिए कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, वरना यही इल्म वाले लोग हैं जो डिस्ट्रक्टिव भी काम करते हैं। इस पूरी दुनिया को सजाने वाले भी इल्म वाले हैं और इस पूरी दुनिया को दहलाने वाले भी इल्म वाले लोग हैं। तो बात फिर आके इल्म से ईमान पे अटक गई। अब अगर हम मुसलमानों की स्टडी करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम्स, अब इसे भी मुझे छूना जरूरी है, क्या करूं, मेरी मजबूरी है, इसलिए ये बोलना भी मेरी जरूरत है। मैं सोचता हूं, मैं आपको सच बताऊं, इतनी बेहतरीन तालीम है इस्लाम की कि अगर आप इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में, आइडियोलॉजी में, आदेशों में घुस के आप देखेंगे ना, तो आपको लगेगा यार इनको तो हर चीज की चाबी दे दी गई है,
फिर भी अगर आप देखेंगे तो आपको जुआ खेलता मुसलमान मिल जाएगा, शराब पीता मुसलमान मिल जाएगा, डाके डालता मुसलमान मिल जाएगा, गुंडागर्दी करता मुसलमान मिल जाएगा, बम फोड़ता मुसलमान मिल जाएगा, कंफ्यूज होता हुआ मुसलमान मिल जाएगा, दूसरे के इस्तेमाल होता हुआ मुसलमान मिल जाएगा। क्यों? मैंने 15 साल पहले एक जुमला कहा, शायद मैं यहां भी कह चुका हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं, क्योंकि हिंदुओं के प्रभु को ईश्वर कहा जाता है, अवतार को राम कहा जाता है और किताब को रामायण कहा जाता है, मुसलमानों के ईश्वर को अल्लाह कहा जाता है, प्रॉफिट को रसूल कहा जाता है और किताब को कुरान कहा जाता है। प्रॉब्लम यहाँ है कि हिंदू ईश्वर को मानता है, ईश्वर की नहीं मानता, राम को मानता है, राम की नहीं मानता, रामायण को मानता है, रामायण की नहीं मानता, और बदनसीब मुसलमान अल्लाह को मानता है, अल्लाह की नहीं मानता, रसूल को मानता है, रसूल की नहीं मानता, कुरान को मानता है, कुरान की नहीं मानता। यहाँ पे आके बात ख़राब हो जाती है, जैसे आप मुझे घंटों सुन ले और उसके बाद बोले मौलाना साहब हम आपको तो मानते हैं मगर आप की नहीं मानते। तो ये जो बात आके ख़राब होती है वो यहाँ ख़राब होती है। अब ज़रा हम आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हम इल्म को ले लेंगे तो धर्म भी साथ में आ जाएगा और बुद्धि भी साथ में आ जाएगी, मगर होता ये है कि लोग धर्म को पकड़ लेते हैं और सोचते हैं इल्म लेने की क्या ज़रूरत है, या वो ये सोचते हैं कि धर्म में जो इल्म है बस वही इल्म है, इसके अलावा कोई इल्म नहीं है। ऐसा नहीं है। आँखें तो आँखें होती हैं, चाहे वो आपकी आँख हो और चाहे वो इल्म की आँख हो जो खून में मौजूद छोटे से जरासीम को बड़ा करके दिखाती है। इल्म एक ऐसी चीज़ है जो अंधेरों में भी उजाला करती है, इल्म एक ऐसी चीज़ है जो आपका मान सम्मान इतना बढ़ा देती है कि दूसरे जब भी आपके सामने खड़े होते हैं उनकी आँखें हया के मारे बंद होने लगती हैं, शर्म के मारे झुकने लगती हैं। इल्म पाक चीज़ है। इल्म का नाम चाहे आप फिजिक्स रख लें, केमिस्ट्री रख लें, बायोलॉजी रख लें, मगर इल्म इन सब से परे है। एक बड़ी खूबसूरत सा इशारा करना चाहता हूँ, आप सब लेक्चरर प्रोफेसर, शायद आप में स्टूडेंट भी कोई हो, आपको पता है हम पढ़ने के बाद क्या जानते हैं? हम बहुत पढ़ने के बाद बस इतना जान पाते हैं हम कि अब तक कितने जाहिल थे। हम पढ़ने के बाद बिल्कुल ये नहीं समझ पाते कि हम कितने पढ़ गए, बल्कि हम पढ़ने के बाद ये समझ पाते हैं कि हम कितने जाहिल थे। काश हमने 10 साल पहले पढ़ लिया होता, काश हमने अपने माँ बाप की डांट सुन के 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ लिया होता, काश हमने उस वक्त मेहनत कर ली होती जब मेहनत करने का वक्त था। अब आ जाते हैं मज़हब की उस सच्चाई पर जिस सच्चाई में मज़हब ने जीने के लिए कहा है। मैं आपको लेकर चलता हूँ, मुसलमानों में दो नज़रिए हैं, मैंने वो परसों के टेलीविज़न प्रोग्राम में भी कहा था। प्रॉफिट के बाद कुछ बादशाह को सब कुछ मानते हैं और कुछ इमाम को सब कुछ मानते हैं। प्रॉफिट के बाद जो राजा को सब कुछ मानते हैं वो मानते हैं इस्लाम तलवार से फैला, जो इमाम को मानते हैं वो मानते हैं इस्लाम इखलाक से फैला। इखलाक का क्या हिंदी होगा? स्वभाव, हाँ, व्यवहार, गुजराती ने मदद कर दी अभी, हाँ स्वभाव व्यवहार, ठीक है ना। अब जो मानता चला आया है 1500 साल से कि तलवार से इस्लाम फैला, वो आज भी फैलाने जाएगा तो तलवार से ही फैलाएगा ना, और जो मानता चला आया है कि इखलाक से इस्लाम फैला वो कभी तलवार को हाथ नहीं लगाएगा। और इसकी एक बहुत परफेक्ट दलील मैं आपको दूं, आपको अजीब लगेगा, अरब में घोड़े भी इस्तेमाल होते थे जंग के लिए, सवारी के लिए, और ऊँटनी भी इस्तेमाल होती थी। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी में ऊँटनी यूज़ की है, इस्तेमाल की है, घोड़ा इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? इसलिए कि घोड़ा सिर्फ जंग के लिए इस्तेमाल होता था और ऊँटनियाँ सुलह के लिए इस्तेमाल होती थी। तो जो प्रॉफिट अपनी सवारी से सुलह का मैसेज देता हो उसका चाहने वाला कातिल कैसे हो सकता है? उसका चाहने वाला मजलूमों का खून कैसे बहा सकता है? उसका चाहने वाला, अच्छा यहाँ एक अंदर की आइडियोलॉजी भी समझिए, हम शिया मातम करते हैं, अपना सीना पीटते हैं,
कि भाई इमाम हुसैन करबला में शहीद हो गए, अगर हम करबला में होते तो हम भी आपकी तरफ जान निछावर करते और आपको मरने नहीं देते, आपको आपकी गर्दन कटने नहीं देते। अब ये हमारी आस्था, हम इंडियन शिया, इंडिया में मैं कह सकता हूँ 98% मुस्लिम जो हैं वो इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि देते हैं और ताज़िया उठाते हैं। 2% नहीं मानते, उनके लिए भी प्रेयर है कि वो इस बात को समझें कि हुसैन इंसानियत का मसीहा है। अब ये देखिए कि जो प्रॉफिट की ज़िंदगी गुजरी है उसकी सवारी का मैसेज है सुलह, तो फिर ये जंग क्यों हो रही है? अच्छा, अगर जंग आपके हिसाब से ठीक है तो इंटरनल डायलॉग्स जो होते हैं उसमें ये एतराज़ किया जाता है जब हम आग पे चल के मातम करते हैं या जंजीर का मातम करते हैं कि अपना खून निकालना हराम है, ठीक है? तो अगर हमें इमाम हुसैन के गम में खून निकालना हराम है तो फिर मजलूमों का खून क्यों निकाला जा रहा है, बम क्यों फोड़ा जा रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम जब बादशाहत से लिया जाएगा तो खून ही खून दिखाई देगा, इस्लाम जब मोहम्मद से लिया जाएगा तो ज़िंदगी ही ज़िंदगी दिखाई देगी।